चलिए बेटा, जय श्री राम। क्लास फोर है हमारी फंडामेंटल की। देखिए, लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, हम ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो पेंडल होता है, जो क्या होता है बेटा, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से सुनना, ये पेंडल है, ये पेंडल एप्रोप्रिएशन है, मान लो ये पेंडल है और ये पेंडल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, पेंडल से बैलेंस कहाँ जा रहा है? एप्रोप्रिएशन। तो जाके जमा कहाँ होगा? जमा का मतलब आपको पता ही, क्या होगा? क्रेडिट। तो पेंडल टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, देखो, इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब क्या है? प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट होगा तो पेंडल का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा बेटा? इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेंडल अकाउंट ट्रांसफर टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जरा सुनना बेटा, एक बार एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा हो सकता है कि पेंडल में आपको लॉस आ जाए। क्या आ जाए बेटा? लॉस। तो लॉस लॉस हमेशा डेबिट होता है और प्रॉफिट हमेशा, दोबारा बोला, प्रॉफिट हमेशा और लॉस हमेशा, मतलब प्रॉफिट को आप इनकम की तरह ट्रीट करो और लॉस को आप एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। अगर आपको लॉस है तो रिवर्स एंट्री होगी, फिर वो पेंडल में डेबिट नहीं हो, पेंडल एप्रोप्रिएशन में जमा नहीं होगा, फिर उसके डेबिट साइड में जाएगा। बोलो, बात समझ आएगी? तो सुनना जरा, इफ डेबिट बैलेंस ऑफ पेंडल अकाउंट ट्रांसफर टू पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पेंडल। नोट करो, चलिए बेटा अब देखो, लॉजिक सुनो। इस एंट्री की अगर पोस्टिंग करेंगे अपने, क्या करेंगे? तो पेंडल एप्रोप्रिएशन के लिखेंगे बाय पेंडल, है ना, आ जाएगा ना सीआर में। और इसको क्या लिखेंगे अपने? टू पेंडल, डेबिट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, समझा कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगी, लॉस होगा तो इन दोनों में से एक एंट्री होगी। समझा गई मेरी बात? चलिए अब अपने मेन मेन बातें करते हैं। ये तो प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। नेक्स्ट, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट,
to close interest on capital account. Profit and loss, appropriation account debit to interest on capital. For partners, salary oblique commission account. Partners, salary oblique commission account debit to बेटा मैं पार्टनर्स को पी लगा के ओब्लिक लगाऊंगा, इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट. अब एक बात ध्यान से सुना, स्टॉप राइटिंग प्लीज. सर आप कैपिटल करंट दोनों क्यों लिख रहे हो? या तो कैपिटल आएगा या करंट आएगा. अब देखो अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या आएगा? करंट अकाउंट. क्योंकि फिर याद आ गया, अगर कैपिटल क्या है तो एक ही अकाउंट होगा, तो फिर क्या आएगा? कैपिटल. अब क्वेश्चन पे हो सकता है कैपिटल फिक्स हो या कैपिटल फिक्स ना हो, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल लिखना है या करंट लिखना. क्वेश्चन करते समय दोनों में से एक ही वर्ड लिखेंगे. अगर कैपिटल फिक्स करके नहीं है तो फिर इस अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर इस अकाउंट में जाएगा, तो करंट लिखूंगा. अगर कैपिटल एक ही इकट्ठा कर ले दो तो फिर कैपिटल आएगा. अभी इसके लॉजिक समझाऊंगा, अभी जो इसकी सर्जरी करेंगे अपने पूरी. आगे लिख लो एक बार, टू क्लोज पार्टनर्स सैलरी ओब्लिक कमीशन अकाउंट, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी ओब्लिक कमीशन. फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. To close interest on drawing account, interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account. Transfer to general reserve account, P&L appropriation account debit to general reserve account. Distribution of profit among
partners among partner partner के बीच में profit बांटेंगे. पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हो गया बेटा नोट, जल्दी करो. अब बेटा एक तो इन एंट्रियों को देख के आपने घबराना नहीं है बिल्कुल. हर पार्ट की दो एंट्री है, ए बी लिखी है मैंने, उसका लॉजिक है. पहली एंट्री है उसको बुक करने की, क्या करने की, बुक का मतलब तो रिकॉर्ड करने की बेटा, और दूसरा उसको क्लोज करने की, ठीक है. दूसरा उसको किसकी है बेटा, क्लोज करने की. बेटा दक्ष इसमें कोई दिक्कत है इन दोनों एंट्री, पहले तो ये तो फर्स्ट और सेकंड में कोई एंट्री दिक्कत है. अगर प्रॉफिट होगा तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में जमा हो जाएगा और नहीं तो उसके डेबिट में आ जाएगा. ये बिल्कुल क्लियर है युवराज, क्लियर है बेटा, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, यहां से बड़े काम की चीज है. जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मतलब जो पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया हुआ है 1,00,000 रुपए, उस पर फर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा. अब मेरी बात सुना, पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो टीचर नहीं बताता और बच्चों को नहीं पता होता. पार्टनर और फर्म के बीच में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी ना, तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगी. सर वो इंटरेस्ट उसको क्या था, कैश में दे दें, दिमाग में आ सकता है. इंटरेस्ट अगर कैश में पे करते तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होती ना. जब भी क्वेश्चन में लिखेगी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, तो कभी भी ये मत सोचना कि कैश में दिया, क्योंकि पार्टनर फर्म का मालिक है और उसका फर्म में क्या बेटा, अकाउंट है. तो उसको इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है जी. उससे लिया तो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. जब ये बोला ना कि उसने फर्म से पैसे विड्रॉल किए, तब कैश में करना बात, फर्म से पैसे निकाले, ठीक है. चलिए तो अब अपने को उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है. अच्छा एक बात ध्यान से सुनना,
जब फर्म इंटरेस्ट देगी तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, मतलब फर्म का एक तरीके से खर्चा हो गया, क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? हम भी क्या करेंगे, डेबिट। मैंने कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई डाउट है? इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा पूरा बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, ठीक है जी, डेबिट कर दिया। अच्छा ये किसका है? पार्टनर का। तो ये पार्टनर के अकाउंट में जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। भाई एक लाख रुपए कैपिटल थी, 10,000 उसके हिस्से में ब्याज आ गया, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी? 1,10,000। ठीक, अब उसकी कैपिटल बढ़ानी है तो कल अपने बहुत चर्चा की थी कैपिटल क्या होती है, सी आर बढ़ेगी तो समझ आ गया। तो अपने क्या लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिख देंगे, और अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब चेंज होता रहे, चेंजेबल होता रहे, ठीक है जी, आगे बात समझे। अब ये खर्चा बुक कर दिया, अब आपको मैंने बताया था कि पेंडल में बेटा आपने लिखते हैं फॉर द ईयर एंड, मतलब वो खर्चा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसीलिए अपने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, इससे पेंडल एप्रोप्रिएशन से। और क्लोज करने के लिए आपको पता ही, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट, क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। बोल बात समझ आएगी। तो एंट्री क्या बोलती है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरी बात ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपने क्या लिखेंगे बताओ, और पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल बात समझ आएगी। इसके बाद पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा बेटा, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में आप क्या लिखोगे बताओ, टू, ये लिखोगे बेटा, पोस्टिंग ऐसी होती है, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ क्या हुआ है, डेबिट, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आ गया, मतलब ये सेम एंट्री है, दो नंबर होगी बेटा, वो ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और ये फर्म को ने दिया है और ये सैलरी भी फर्म ने दी है, तो सेम एंट्री है। देखो बस यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या आ गया, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, अकाउंट डेबिट टू उसकी कैपिटल में जमा हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर इसको क्या कर दिया, क्लोज, ये यहाँ डी आर था, यहाँ इसको क्या कर दिया, सी आर। बोलो बात समझ आएंगे, तो जी क्लियर है। अच्छा अब इसको पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे, टू पार्टनर सैलरी। बोलो बात समझ आएंगे, यस। अब ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म लेगी बेटा पार्टनर से, फर्म लेगी किससे सर, क्यों, क्योंकि उसने फर्म के पैसा यूज किया है। फर्म कहती जब मैं तेरा पैसा यूज करती हूं तो तू मेरे से इंटरेस्ट लेता है। फर्म इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म क्या बेटा, पढ़ा ना रियल नॉमिनल, हाँ शुक्र है ना, फर्म क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस में पढ़ोगे कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, दिस क्रिएट बाय गॉड, ना क्रिएट बाय गॉड क्या है, ही और शी, लेकिन कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, ही और सी के द्वारा बनाई जाती है। चलो छोड़ दोस्तों, तो यहां पर फर्म को पार्टनर इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए तो ये इनकम का काम करेगा, केस का काम करेगा, इनकम क्या होती है, हम भी क्या करेंगे, सी आर। तो लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अच्छा अब पार्टनर से फर्म ने लेने हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बोलो होगी या नहीं होगी, तो कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। लॉजिक के बिना, क्योंकि तीन बुक है, रटेंगे तो कहां तक जाएंगे। आज मैं ये भी पढ़ा रहा हूं, सुबह मैं सीए को पढ़ाता हूं, अगर मैं रटने लग गया तो मैं तो भूल जाऊंगा सारा बेटा। लॉजिक समझना आपने, ठीक है ना। तो क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बोलो आगे बात समझ नहीं आगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इसको भी क्लोज करेंगे। ये इंटरेस्ट ड्रॉइंग यहां पर क्या है, सीआर। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डीआर, और टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। अब इसको पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब जो पेंडल एप्रोप्रिएशन बनता है ना बेटा कन्नू, वो इन एंट्रियों की पोस्टिंग से बनता है, और अपने पहले रट ले ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ये इनसे बनता है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है? अब मान लीजिए फर्म के पास पैसा है युवराज, फर्म कहती है इसमें से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखेंगे, तो वो कहती है इतना पैसा आप निकाल के रिजर्व में जमा कर दो। जमा का मतलब सबको पता है, क्रेडिट कर दो, मतलब उतना पैसा उसने रिजर्व में डाल दिया। तो क्या एंट्री होगी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व। बोल बात समझ आएगी नहीं। अच्छा ये सब कुछ करने के बाद आपका प्रॉफिट बचता है, तो प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर में। जब प्रॉफिट बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कैपिटल क्या होगी, सीआर होगी। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
अगर लॉस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लॉस है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसलिए कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। बोलो बात में, अब आपको मैं बनाना सिखाता हूं पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बेटा? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर सॉरी अमाउंट, आपने बनाना नहीं एक बार, ठीक है? आपको मैं जनरल एंट्री कराई थी ना वो बताओ, ठीक है? ध्यान से सुनना, आपकी बुक में जनरल एंट्री दी हुई ना बेटा, फर्स्ट जनरल एंट्री क्या लिखाई बेटा तन्नु, बोलना बेटा, पहले हेडिंग बोलो उसकी। अगर आपका प्रॉफिट है तो पेंडल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी बिना देखे बोलो, हो जाएगी पेंडल अकाउंट डेबिट टू पेंडल। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझा गया? और अपने क्या करते हैं, एक्चुअल में तो ये लिखना चाहिए लेकिन अपनी आदत पता है क्या, अपने लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। वो एक कन्वेंशन बना हुआ, कन्वेंशन समझते हो, परंपरा बनी हुई है, लेकिन आना चाहिए बाय पेंडल। ये यहां पर अपने क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बोलो बेटा ये आ गया। और लॉस है तो क्या लिखोगे? अच्छा लॉस है तो क्या एंट्री थी बताना बेटा, टू पेंडल, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है टू पेंडल, तो एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, टू पेंडल। ये कब आएगा, जब क्या होगा, लॉस होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये कब आएगा, जब प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट में और ये लॉस में, यहां तक कोई डाउट है? अब मैंने एंट्री लिखाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, किसकी लिखाई बेटा, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट। एक बार कैपिटल बोलना, ठीक है, करंट में समझ जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसकी पोस्टिंग यहां इधर होगी या इधर, इधर भी नहीं होगी, इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग यहां नहीं होगी, क्योंकि देख इसमें क्या बोला तू मेरे लाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें दो नाम आए दक्ष, इसमें दो नाम आए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तो एक तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, एक ही कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कंफ्यूज मत हो, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, तो मतलब ये हुआ केशव बाबू कि आगे वाली एंट्री में ए बी ए बी ए बी ए बी, ए तो है जनरल एंट्री और बी है पेंडल की एंट्री, तो हरेक की बी वाली एंट्री पोस्टिंग होगी इसमें, बोलो कौन सी होगी, युवराज समझ आई बेटा? ए एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें दो नाम हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स, तो इन दोनों अकाउंट में जाएगी। राम टू कैश है तो राम के अकाउंट में क्या लिखोगे, टू कैश, आपके तो राम के अकाउंट में, तो शाम के अकाउंट में लिखूंगा, तो बेटा फिर वो एरर हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी पड़ेगी, फिर तो वो होगी गलती से राम के अकाउंट के बजाय किसके अकाउंट में लिख दिया, शाम के अकाउंट, जो 11th में किया आपने, समझ आई मेरी बात? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, क्लोज, क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री थी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन सॉरी कैपिटल, में ड्रॉइंग बोल गया था, टू इंटरेस्ट ऑन, बोलो समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट रेमुनरेशन, रेमुनरेशन की एंट्री क्या थी युवराज? हाँ मेरे तरफ देख के बोलना, ताल से ताल मिला सर, अकाउंट डेबिट टू मैडम, हाँ पार्टनर को फर्म ने पे किया, यस यस, हाँ सही बोला, वेरी गुड।
रेमुनेशन को क्या बोलते हैं अपने, सैलरी कमीशन, ठीक है। रेमुनेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत नहीं है, सही है, लेकिन रेमुनेशन में क्या आते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम उनका, सैलरी और कमीशन। तो सैलरी अकाउंट डेबिट या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज क्लोज करेंगे तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सैलरी या कमीशन। बोलो बात समझ आएगी, ऋतिक समझ आ गई, बेटा आपकी आ गई। अच्छा उसके बाद बोलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट ना इनकम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, फिर इसको क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन टू टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, तो यहां पर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको कहां डाल दो, रिजर्व में, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो क्या आएगा, टू जनरल रिजर्व। आगे बात समझे, अब अगर प्रॉफिट है, हाँ बेटा बोल, किसकी बेटा, किसकी ना, जनरल रिजर्व की एक ही एंट्री होगी। इस बच्चे का क्वेश्चन पूछो, ये बच्चा क्या पूछ रहा है, ये बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, ये बच्चा कहता है इसकी एक ही एंट्री क्यों है, सबकी दो दो एंट्री है, हस्बैंड वाइफ है सारे, ये अकेला है, ये अनमैरिड है बेटा। आई बात समझे, एक्चुअल में क्या है, सभी खर्चे हैं, हम लोग खर्चे को क्या करते हैं, बुक करते हैं बेटा, फिर पेंडल्स क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये खर्चा नहीं है तो इस पे चर्चा नहीं होगी। अरे बोल, ये सिर्फ सेविंग है, क्या है बेटा, सेविंग। जैसे कि प्रतीक बाबू अब प्रॉफिट की भी एक एंट्री है डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है ना बेटा, वो तो बुक किया चार्ज किया, बुक किया चार्ज किया, बुक किया चार्ज किया, मतलब समझते हो, मोबाइल चार्ज किया, तो चार्ज का मतलब होता है वो है, आप नहीं बता सकते चार्ज का मतलब अगर मेरे से नहीं पढ़े तो, आप अपनी टेक्निकल लैंग्वेज जरूर घुमा सकते हो, चल दक्ष बता बेटा क्या बताया इलेवंथ में सर ने आपको, चार्ज का मतलब क्या होता है, सी टाइप या वी टाइप, सी टाइप, चलो ठीक ओके, तनु आप बताओ बेटा, एक्सपेंस रिचार्ज, अच्छा नहीं चार्ज क्या का मतलब बताओ, चार्ज आपका नाम भूल गया मैं यार, आदित्य बेटा बताओ, चार्ज। अब केशव बता रहा है एकदम पेट में हजम नहीं हो रहा है इसके, चल बोल मेरे बेटा, सुनो तुम काटना पीटना धोना सुखाना, सही बोल रहे हो आप, लेकिन मेरे को एक ऐसा शब्द है जो दिमाग में जाके जगह बना जाए, ऋतिक बोल बेटा, सुनो चार्ज का मतलब होता है, सुनो किसी से लेना, आप बोलते हो ना कि सर ये खर्चा किया, ये पैसे मैं तेरे से लूंगा, या अपने क्या बोलते, तेरे से चार्ज करूंगा, कुछ भी चीज बोलो, नहीं बेटा चार्ज का मतलब सिंपल, एक चार्ज का मतलब, चार्ज का मतलब होता है उससे लेना, सर ये पैसे मैं आपसे चार्ज करूंगा, बोला आपसे लूंगा ये पैसे, तो अपने क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान, यही मतलब है भाई, गुड टीचर चार्ज करके चला जाएगा धीरे से, यहाँ अपने वो पैसा किससे ले रहे हैं, पेंडल एप्रोप्रिएशन से ले रहे हैं, क्योंकि बेटा वो प्रॉफिट कहां डला हुआ है, पेंडल एप्रोप्रिएशन में डला हुआ है। आप सारे सही बोल रहे थे, लेकिन इसको एक लेमैन की तरह आप समझो, चार्ज का मतलब क्या होता है, उस चीज से अपने पैसे ले रहे हैं, आप अपने पापा से पैसे लेते हो ना फीस के, तो किससे चार्ज कर रहे हो, पापा से, मम्मी से लेते हो तो मम्मी से, अपने कहां से ले रहे हैं, पेंडल से ले रहे हैं, चार्ज का मतलब वहां से अपने पैसे ले रहे हैं, तो जब वहां से लेंगे तो वहां क्या होता जाएगा, कम, ये मतलब होता है चार्ज का। चलो एनीवे बहुत बढ़िया, मौका मिला समझाने का, बहुत सी बातें बताऊंगा, यही तो अकाउंट होती बेटा, सारे बोलते समझ गए चार्ज का मतलब, ठीक है। अच्छा ये रिजर्व में डाल दिया बेटा, ठीक है, अब अभी इधर देखो बेटा, अरे दक्ष इधर देख बेटा, क्या टेपा टेपी लगा हुआ तू, कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे, कौन सा और कोई पढ़ा रहा, दिनेश पढ़ा रहा है, टेंशन मत ले, रिलैक्स होके बैठ। मान लीजिए इस साइड का टोटल आया 1,00,000 रुपए, क्या है बेटा, 1,00,000, और इस साइड का टोटल आया बेटा मान लीजिए 80,000, क्या आया,
80,000। तनु बेटा इस साइड का टोटल 1,00,000 है, इधर 80 है, मान ली सारी चीजों का टोटल, तो 20,000 रुपए प्रॉफिट है या लॉस है? कोई लॉस कह रहा है आप में से? देख लो मैं कह रहा हूँ लॉस, कौन है मेरे साथ? लॉस है क्या है? प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है। अच्छा 20,000 रुपए प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट अपने। अच्छा ये जो 20,000 प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब सुनो 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 बेटा, बिल्कुल सही है। यहां लिखूंगा तो आप देखते ही एक बार में बोल दिया कि यहां लिख रहे तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस। सुनो बेटा इस, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हेलो, इस साइड का टोटल कितना है? 80। इस साइड का टोटल कितना है? अच्छा आप में से अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो ये साइड बड़ी है या ये साइड बड़ी है? तो बैलेंस किसका बचेगा? इधर क्यों लिखते हैं? इक्वल करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जिधर लिखते हैं ना क्लोजिंग बैलेंस, उस साइड का बैलेंस नहीं होता, उससे हमें नोट लिखवाते हैं। लिखो इंपॉर्टेंट नोट, क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड द रिवर्स साइड, डेबिट बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। बट ऐसे रट्टा नहीं मारना, लॉजिक क्लियर करना, हमें अकाउंट में जो टैली करना होता है बेटा बराबर करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ लिखने का मतलब ये है कि हम बराबर करने के लिए लिख रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? इधर देख बेटा, बराबर करने के लिए। ये अगले साल ये अपने आप यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे पेंडल एप्रोप्रिएशन में ये बस इसको बराबर करके अपनी साइड में चला जाएगा चुपचाप। बोलो बात समझ आएगी? तो यहाँ आया है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, लिख डेबिट में रहे हैं, लेकिन बैलेंस कौन सा? हमेशा क्रेडिट। और हमें पता है बेटा प्रॉफिट का हमेशा बैलेंस भी कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। हमें ट्वेल्थ नहीं करनी, हमें अकाउंट सीखनी है, ट्वेल्थ अपने आप हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि बुक करिए करनी है, पास करना है, इसके बाद उसको गंगा में बहा देंगे ना। ये हमारी जिंदगी है, इसी से कमा रहा हूँ बेटा मैं, अब नहीं कमा रहा। बात समझ आएगी नहीं? ये तो प्रॉफिट है, ठीक है अपने। अब प्रॉफिट होने की एंट्री क्या थी? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर, याद है? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपने यहां पर क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बांटते टाइम अपने लिखते हैं ए बी और सी, तीनों का लिख देते हैं, बांट देंगे ना उनमें। बोलो बात समझ आई? और लॉस है तो ये कब लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे बेटा? जब प्रॉफिट है। और लॉस है तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब लिखेंगे? लॉस। अब टीचर क्या करता है उस टाइम बनाते समय? टू प्रॉफिट लिख के एबीसीडी लिख देता है। हालांकि लॉजिकल क्या लिखना चाहिए? टू पार्टनर्स कैपिटल और बाय पार्टनर। बट टीचर वहां पर मैं भी लिख दूंगा, देखना, टू प्रॉफिट और बाय लॉस लिख दूंगा। लेकिन कोई हकीकत में तो वर्ड ही आना चाहिए, लिख तो मैं इधर ही रहा हूं लेकिन दूसरा नाम यूज कर लेता हूँ। क्या ये कैपिटल में जो बांट रहे हैं वो प्रॉफिट ही तो है, मैं ये ब्रैकेट वाला यहाँ लिख देता हूँ, तो चलता है, ऐसा लिख देते हैं लोग। तुम्हारे भी लिखा होगा टीचर ने टू प्रॉफिट, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात। लेकिन लॉजिकल एंट्री की पोस्टिंग में से क्या बनना चाहिए वर्ड? टू या बाय, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट लॉस। लॉजिकल तो ये होता है, समझ आए? तो ए बी सी तीनों में बांट दो जो भी होगा। बोलो बात समझ आई? ये बन गया, ये बनता उससे ही है बेटा। अब टीचर क्या सिखाते हैं? सुनो, टीचर ऐसे सिखाते हैं गंगानगर के, बेटा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब अरे थोड़ा गंगानगर वाले स्टाइल में सीख लो, जो पार्टनर को देंगे वो यहाँ आएगा, जो पार्टनर से लेंगे वो यहाँ आएगा। बना लो बेटा, ऐसे सिखाया, जो पार्टनर को देंगे वो यहाँ आएगा और जो पार्टनर से लेंगे वो यहाँ आएगा। ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने और ये पार्टनर से लिया, ठीक है? नोट कर लो, अपने को लॉजिक समझ में आ गया बेटा, नोट कर लो आराम से। 6% पर नम। क्वेश्चन नंबर 13 करें बेटा, विनोद की कैपिटल कितनी है? 1,00,000, और मोहन की कैपिटल कितनी है? 60,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा इनको? 6%। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है जी? ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, क्या बनाओ? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सुनना जरा ध्यान से, ये लो क्वेश्चन नंबर 13। प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने को बेटा सभी को बुक एक जैसी करनी पड़ेगी, ये तो क्वेश्चन करते हैं दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इकोनॉमिक्स में तो क्या है, आपको नोट्स मिलेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, खुद देंगे, उन्हीं से पढ़ाएंगे, वही पढ़ने हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेंगे, बहुत शानदार। तो इकोनॉमिक्स में तो दिक्कत नहीं आएगी बुक्स वाले। अकाउंट्स में क्वेश्चन देखने के लिए कंसेप्ट तो मैं लिखाऊंगा सब कुछ, नोट्स में तैयार करूंगा लिखा के, बस क्वेश्चन देखना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सेम हो ना, तो नई बुक के सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन फोटोकॉपी करा लेना, 150 रुपये में हो जाएंगे, तो उससे ढूंढने नहीं पड़ेंगे फिर अपने, ठीक है। सुनो बेटा, अच्छा याद है क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था बताओ, मिल गया बेटा क्वेश्चन आवर को, प्रॉफिट कितना है आपको, प्रॉफिट होता है तीन का डिफरेंस याद रखना, जब भी मुझे क्वेश्चन नंबर बोलोगे सर तीन पीछे देख लेना, इसमें 13 है आपके 10 है। अच्छा नेट प्रॉफिट कितना दिया देखो, आपके बुक में भी होगा है क्या, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना बेटा, 80,000, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा सुनो लिखो बस समझो बेटा, अच्छा कैपिटल कितनी थी, विनोदी कितनी थी 1,00,000 और 60,000, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है कितना, 6%। कल ये ना 2-3 पेज फोटो को भी कर लेंगे अपने, मैं दे दूंगा एक बार आपको, ठीक है, इतना अरेंज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। आगे बात समझे, तो याद है एंट्री या भूल गए, याद है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ऑन कैपिटल, यही है ना। अब यहाँ पर अपने काम करें, दो है ना, तो ए और बी, ए की कैपिटल कितनी है 1,00,000, तो 1,00,000 का यही कर दो 6%, और उसकी कितनी बेटा, उसकी कैपिटल है 60,000, उसका 6%, ये कितना आ गया बेटा 6,000, और ये कितना आ गया 3,600, टोटली कितना आ गया 9,600, कोई डाउट है, ये हमने दे दिया। उसके बाद इसको सैलरी देनी है, सैलरी किसको देनी है, ए को, लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, हाँ विनोद इज गेट सैलरी 3,000 पर मंथ, तो साल में 14 महीने होते हैं, 12 होते, ध्यान रखा करो, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36, तो क्या लिखोगे, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर का नाम दे रखा है, क्या नाम पार्टनर का, विनोद, तो क्या लिखोगे, टू विनोद सैलरी, 3,000 रुपए एक महीने के बेटा, तो 12 महीने के कितने हो गए 36,000, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, और बताओ, बस बेटा, अच्छा यही थे। अब देखो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो यहां लिख देते, है ही नहीं, यहां पर अगर कुछ और होता लिख देते, रिजर्व विजर्व कुछ है ही नहीं, तो बस इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना है बताओ, 80,000, इसका टोटल करो 36,000 और 9,600, ये कितना हो गया, इसमें से लेस करके प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, अब यहां पर लिखते हो टीचर क्या करता है, टू प्रॉफिट लिख देता है, क्या लिख देता है, टू प्रॉफिट चलता है वैसे, फिर यहां क्या लिखता है, ये किसमें बटेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल, सॉरी ए नहीं है इसमें, विनोद है, टू वी लिख देता हूं, टू विनोद कैपिटल, और दूसरे का नाम क्या है, क्या नाम है, मोहन, टू मोहन कैपिटल, बांट दो बेटा दोनों के अंदर। अब बताओ क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है इनका, नहीं दिया हुआ, तो किसमें बटेगा, इक्वल रेशियो, 80,000 में से ये लेस करके प्रॉफिट बताओ कितना बचा, 34,400 बचा। अरे यार ये बच्चों वाला काम भी आप मेरे से कराओगे, 80,000, इसका टोटल कितना आया, 45,600, इसमें से लेस कर दो, ये बचेगा, बोलो बच्चों, तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, विनोद और वो तो नीचे देखे हमसे सारे बोल ही दोगे, 17,200 और 17,200, समझा गया, तो 17,200 इसको मिल जाएगा, 17,200 इसको मिल जाएगा, और टोटल कितना हो गया, 34,400, उधर का टोटल कितना आ गया, 80,000, कोई डाउट है क्या, बोलो,
कर लोगे, नोट कर लो।